इन्हीं कुछ चंद महापुरुषों के नाम सुनने में आते हैं जब भी हम भारत को पुनर्जन्म देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं। हमें बचपन से बताया जाता है कि अंग्रेजों ने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बहुत बर्बरता की थी। किसी को भूखा मार देते थे तो किसी को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाता था, किसी को बीच चौराहा पर फांसी दी जाती थी तो किसी को जिंदा जला दिया जाता था। हर तरह का टॉर्चर और दर्द उन्हें दिया गया, लेकिन फिर भी भारत की आजादी के लिए अपनी अंतिम श्वास तक हंसते हंसते दर्द को सहते हुए वो सभी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन क्या हमने किसी और भी क्रांतिकारी के बारे में जानने की कोशिश की? नहीं, हम सिमटे रह गए बस इन्हीं कुछ नामों के बीच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन महान क्रांतिकारियों के बारे में जिनके समाज को बहुत ही भद्दी नजरों से देखा जाता है। अगर आपको लगता है कि इन महान क्रांतिकारियों की वीर गाथाओं के बारे में सभी को पता चलना चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई सन 1857 में लड़ी थी, जिसकी गूंज कभी दबाई नहीं जा सकी और इसी कारण आजादी के सपने को सच्चाई में बदल पाना संभव हो पाया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे मंच पर खड़े कुछ नेता अपने दम पर नहीं लड़ सकते थे, बल्कि ये लड़ाई सही मायनों में उन अनगिनत लोगों ने लड़ी जिन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर अपने देश को रखा और झोंक दिया खुद को आजादी की लड़ाई में। इन लोगों की कहानियां या तो भुलाई जा चुकी हैं या फिर इतिहास के पन्नों में कहीं धूमिल हो रही हैं। उस लड़ाई में देश के लिए किया गया तवायफों का योगदान भी कुछ ऐसा ही है। तवायफ, जी हाँ, वही तवायफ जिसे हमारा समाज गंदी नजरों से देखता है, जिनके नाम को न केवल हम गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं बल्कि उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट भी किया जाता है। ये ऐसी बहादुर स्वतंत्रता सेनानियां थी जिनके आत्म बलिदान की कहानियों का शायद ही कहीं जिक्र मिले। इनमें से एक हैं अजीजन बाई, जिनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। 1 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक बैठक की। इसमें नाना साहेब, तात्या टोपे के साथ सूबेदार टीका सिंह, शमसुद्दीन खां और अजीमुल्ला खां के अलावा अजीजन बाई ने भी हिस्सा लिया। वहां गंगाजल को साक्षी मानकर इन सब ने अंग्रेजों की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। जून 1857 में ही इन लोगों ने अंग्रेजों को जोरदार टक्कर देते हुए विजय प्राप्त की और नाना साहेब को बिठूर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। 16 अगस्त को बिठूर में ही अंग्रेजों के साथ फिर से भीषण युद्ध हुआ जिसमें क्रांतिकारी परास्त हो गए। इन दोनों ही युद्धों में अजीजन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने युवतियों की एक टोली बनाई जो कि मर्दाना वेश में रहती थी। वे सभी घोड़ों पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर नौजवानों को आजादी के इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करती थी। वो घायल सैनिकों का इलाज करती और उनका ध्यान रखती थी। विनायक दामोदर सावरकर ने अजीजन की तारीफ करते हुए लिखा है, अजीजन एक नर्तकी थी परंतु सिपाहियों को उससे बेहद स्नेह था। अजीजन का प्यार साधारण बाजार में पैसों के लिए नहीं बिकता था, उनका प्यार पुरस्कार स्वरूप उस व्यक्ति को दिया जाता था जो देश से प्रेम करता था। अजीजन के सुंदर मुख की मुस्कुराहट युद्ध लड़ रहे सिपाहियों को प्रेरणा से भर देती थी। उनके मुख पर भ्रकुटी का तनाव युद्ध से भागकर आए हुए कायर सिपाहियों को पुनः रणक्षेत्र की ओर भेज देता था। युद्धों के दौरान अजीजन ने सिद्ध कर दिया कि वह वरांगना नहीं बल्कि वीरांगना है। बिठूर में हुए युद्ध में पराजित होने के बाद नाना साहेब और तात्या टोपे को छिपना पड़ा, लेकिन अजीजन बाई पकड़ी गई। इतिहासकारों के अनुसार उन्हें बंदी बनाकर जनरल हैवलॉक के सामने पेश किया गया। उनके सौंदर्य पर अंग्रेज अफसर मुग्ध हो उठे। जनरल ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर अंग्रेजों से माफी मांग लें तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा और वो फिर से रास रंग की दुनिया सजा सकती है, नहीं तो कड़ी से कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अजीजन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हुंकार कर ये भी कहा कि माफी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए जिन्होंने भारतवासियों पर इतने जुल्म किए हैं। उनके इस अत्याचार के लिए वो जीते जी कभी उन्हें माफ नहीं करेंगी। ये कहने का अंजाम भी उन्हें मालूम था, पर आजादी की उस दीवानी को इसकी परवाह कहां। एक नर्तकी से ऐसा जवाब सुनकर अंग्रेजी अफसर तिलमिला उठे और उन्हें मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिए गए। देखते ही देखते अंग्रेजी सैनिकों ने उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। गोहर जान, बेगम हजरत महल, हुस्नबाई और भी न जाने कितनी ऐसी तवायफ वीरांगना थी जिनके बारे में कोई बात नहीं करता और ना ही बात करते हैं उन सभी समाजों के बारे में जिनका आजादी में महत्वपूर्ण योगदान था। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही हम सबके अंदर देशभक्ति एकदम से जाग उठती है। सब देशभक्ति गीत गाते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं,
उनकी स्टोरी लगाते हैं, उनके स्टेटस लगाते हैं। बस क्या इतनी कम कीमत थी हमारे भारत को आजाद कराने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। सालों साल चली इस लड़ाई में कितने ही महापुरुषों ने बलिदान दिया, खुद को समर्पित कर दिया, झोंक दिया खुद को सिर्फ और सिर्फ इस आजादी के लिए, खुद के लिए नहीं, हमारे लिए। तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम अपनी वीडियोस के जरिए देश की आजादी की कीमत आपको याद दिलाते रहेंगे, ना खुद भूलेंगे और ना ही भूलने देंगे। जय हिंद।